हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो दयानंद दर्शन की फिलोसफी आज हम डिस्कस करेंगे। अगर यूजीसी नेट एजुकेशन यूनिट वन की अगर हम बात करें पेपर टू में, सो हमारे पास इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में कौन कौन सी फिलोसफीज इंक्लूड हैं? सांख्य फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी, योग फिलोसफी, दयानंद दर्शन की जो है ये फिलोसफी, जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस्लामिक थियरी की जो है इस्लामिक फिलोसफी। सो ये सात हमारे में मेंशन है। इसमें से ऑलरेडी यानी कि पांच मैं करवा चुकी हूँ, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सांख्य, वेदांता और योग फिलोसफी। दयानंद दर्शन आज हम कवर कर लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ इस्लामिक फिलोसफी जो है वो रह जाएगी करने को। सो वो भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि वेदांता, योग, सांख्य वो फिलोसफी या जैनिज्म, बुद्धिज्म है। यानी उन पांच फिलोसफी से जितना रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं या जितना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं उतना नहीं आते हैं दयानंद दर्शन से, बट स्टिल अब सिलेबस में मेंशन है तो हमें पता होनी चाहिए कि बाय चांस एक आधा क्वेश्चन इजी सा आ गया तो वो गलत ना हो। ठीक है जी। अगर स्वामी दयानंद की थोड़ी सी बात कर लें, सो मूल शंकर इनका नाम था। 1824 में इनका जन्म हुआ था तंकारा जगह पे गुजरात में। ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करते थे। ये ब्राह्मण फैमिली मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि इससे नेक्स्ट पॉइंट है कि उपनयन सेरेमनी जो है इनकी वो 8 साल की उम्र में हो गई थी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने वैदिक एजुकेशन सिस्टम पढ़ा रखा है। उस वैदिक एजुकेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि उपनयन सेरेमनी जो है वो कास्ट के बेसिस पे, यानी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है, उस बेसिस पे अलग अलग एज में होती थी। तो सबसे पहले 8 साल की उम्र में जो है वो ब्राह्मण की जो है, ब्राह्मण के जो बच्चे या लड़के होते थे उनकी उपनयन सेरेमनी होती थी। जैसे वैश्य, वैश्य के जो बच्चे थे, वैश्य जो कैटेगरी में लगा लीजिए या वर्ण में आएंगे, उनकी 12 साल की उम्र में होती थी। सो ऐसे ही क्षत्रिय की कितने साल की उम्र में होती थी वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। तो उपनयन सेरेमनी जो है इनका, जो यानी कि उपनयन सेरेमनी मतलब ये वैदिक एजुकेशन सिस्टम में डाल दिए गए, ये लगा लीजिए। ठीक है। उनका कंपाइल्ड वर्क है वो है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उन्होंने खुद की फिलोसफी, कैसा करिकुलम होना चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अब वैदिक फिलोसफी में ये डाल दिए गए थे, तो वैदिक फिलोसफी क्या है, बोलती है कि मैन इज नीदर बॉडी नॉर माइंड, नोर आएगा ये नहीं आएगा, नोर सेंस ऑर्गन्स बट अ सोल। तो वो सोल के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। दयानंद ने बोला कि हाँ, मैन एसेंशियली एक सोल है, बट जब इसको वन इज इनकम्पेरेबल सुप्रीम स्पिरिट अलोन इन इज द विटनेस। तो सुप्रीम जो है वो किस चीज को मानेंगे ये वो हम आगे देखेंगे, प्लस सोल जो है वो रियल कारण है दुखों का और लिबरेशन का भी। सो ये बात किसने, ये सोल को कौन बोल रहा है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो बोल रहे हैं। योगा की प्रैक्टिस, उसकी स्टडी या इंस्ट्रक्शंस देना, ये ट्यूशंस देना एंड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, सही एफर्ट्स के साथ आप एडवांसमेंट कर रहे हैं। सो ये अच्छे तरीके हैं जब आप स्ट्रिक्टली कोई चीज करें और उसके बाद आपका जो है वो क्या हो, लिबरेशन हो। सो इनकी फिलोसफी की अगर हम बात करें थोड़ी सी, सो इनका ये गो बैक टू वेदास भी बोलते थे, यानी हमें वेदास के ऊपर वापस जाना चाहिए, वेदास को पढ़ा जाना चाहिए। प्लस ये आर्य समाज के फाउंडर भी रहे हैं और सोशल और कल्चरल रिफॉर्मर के साथ साथ इनको एजुकेशनिस्ट या फिलोसोफर भी बोल दिया जाता है। अब डीएवी स्कूल्स आपने सुने होंगे, तो वो डीएवी स्कूल्स जो है वो आर्य समाज ने ही शुरू किए थे, जिनकी फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। यानी अभी जो प्रेजेंट किया एंग्लो या इंग्लिश जो लोगों की या ब्रिटिशर्स की जो वो थी एजुकेशन सिस्टम, उसको वैदिक के साथ मर्ज किया जा रहा था। ठीक है। सो ये रैशनल के साथ, मतलब वैदिक एजुकेशन को फॉलो कर रहे थे बट रैशनल भी थे। सो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये बहुत रैशनलिस्ट या ग्रेटेस्ट रैशनलिस्ट माने जाते हैं, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया के टाइम पे जो इनके फिलोसोफर्स थे साथ में, उनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो सबसे रैशनलिस्ट माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि एक साइड तो वो वेदास को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बहुत होली टेक्स्ट माना जाता है। ठीक है। तो ये रैशनलिस्ट अप्रोच था उनका, किस बारे में, कि वो उसके बारे में देखें, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें। दूसरी साइड जो है वो कोई भी चीज बिना मेडिटेशन के, बिना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे या बिना रीजनिंग के वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उनका यही कहना था कि बिना रीजन के कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल वो कुछ पार्ट जो है, मतलब उनका वो वेदास को मानते थे बट उनकी वेदास की इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग थी। सो इसीलिए इनको जो है क्या बोला जाता है, ये रैशनलिस्ट भी थे
प्लस मतलब रैशनलिस्ट मतलब रीजनिंग देने वाले भी थे, बट वेदास और गॉड में भी बिलीव करते थे। सो कंक्लूजन ये है कि इन्होंने अपनी खुद की फिलोसफी जो है डेवलप की। खुद की फिलोसफी मतलब कि ये वेद मतलब कुछ एक, अगर ये सिर्फ वेदास को ही मानते तो वैदिक फिलोसफी हो जाती इनकी, बट दयानंद दर्शन क्यों निकल के आया, क्योंकि ये उनका पर्सपेक्टिव था। उनकी लाइफ में वो क्या फिलोसफी लेके चलते हैं, उनके क्या क्या मतलब है उनकी लाइफ में चीजों के, वहां से जो है उनकी फिलोसफी ये निकल के आती है जो हम पढ़ते हैं। अब इनकी फिलोसफी में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे कि एजुकेशन का क्या मतलब है, रिवार्ड और पनिशमेंट को ये कहाँ पे रखते हैं, मोरल एजुकेशन, पेरेंट्स का, टीचर्स का रोल, टीचर्स की क्वालिफिकेशन या जो इंटरेक्शन होता है टीचर और ये जो बच्चे होते हैं प्यूपल के बीच में, टीचर टॉट इंटरेक्शन आपको लिखा मिलेगा कई जगह, करिकुलम क्या था, डिसिप्लिन को क्या मानते थे, कुछ एक इंपेडिमेंट्स थे जो ये चाहते थे कि सब लोग अवॉइड करें, मीडियम क्या था एजुकेशन का जो कि ये मेजरली मदर टंग और संस्कृत को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये तीन पॉइंट आप भूल नहीं सकते, आपको याद रखने ही हैं कि ये एजुकेशन फॉर परफेक्शन की बात करते थे, और जब आप किसी चीज में परफेक्ट होना चाह रहे हैं एजुकेशन के लेवल पे या ब्रॉड लेवल पे, सो आपको मल्टी साइडेड करिकुलम चाहिए होगा, तभी आप हर चीज में परफेक्ट हो सकते हैं। ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म दोनों की बात करते हैं ये, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या है इनके लिए। एजुकेशन का मतलब है जो कि ट्रू और रियल नॉलेज जो है वो इम्पार्ट करे अबाउट मास्टर सेल्फ डेवलपमेंट वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सो सेल्फ डेवलपमेंट में भी वेलफेयर में भी हेल्प करे, आप उस चीज में मास्टरी हासिल कर सके। सो ट्रू और रियल नॉलेज जो इम्पार्ट करे वो है एजुकेशन। यानी कि एक और तरीके से बोले तो इट शुड इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड हेल्प टू अदर्स। तो सब एक वो होता है ना, अपने आप को समर्पण कर देना संसार के लिए या सर्विस के लिए या दूसरों की सर्विस के लिए। सो वो चीज है कि दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए जो है आपको प्रोत्साहित करे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। और बिना एजुकेशन के एक व्यक्ति जो है, एक आदमी जो है वो सिर्फ नाम का ही आदमी है या नाम का ही ह्यूमन बीइंग है, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। क्योंकि अगर आपने एजुकेशन नहीं ली तो आपका काम फिर वो ड्यूटीज जो पूरी करना होता है कि आदमी की, कि आपको एजुकेशन लेनी है, फिर काम करना है, फिर आपको चीजें मतलब कंक्लूजन ये कि आपको संसार की मोहमाया के बीच में जैसे चीजें चलती हैं कि ऐसा ही होता आया है, वैसे ही आप चलते रहेंगे अगर आपने एजुकेशन जो है वो बेटर तरीके से नहीं ली तो। रिवार्ड और पनिशमेंट को ये काफी हाई और इम्पोर्टेंट प्लेस देते हैं। रिवार्ड को भी देते हैं कि जब बच्चा कुछ अच्छा करे तो वो चीज उसको एनकरेज किया जाना चाहिए, एज वेल एज पनिशमेंट को भी देते हैं कि जब कुछ गलत हो रहा है तो पनिशमेंट जरूरी है, और ओरल पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कॉर्पोरल तक आप नहीं जाएंगे, यानी मारपीट या वॉयलेंस या हाथ नहीं उठाएंगे आप बच्चे पे। तो चाइल्ड लर्न्स थ्रू द सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, ऐसा इनका मानना था। He repeats those acts which led to rewards. तो जहां रिवार्ड मिलेगा बच्चा उनको रिपीट करेगा, और जहां पे उनको लगेगा बच्चे को कि पनिशमेंट मिलेगी या मिल चुकी होगी एक दो बार तो वो उस चीज को नहीं करेगा, ऐसा इनका मानना है, ठीक है जी। मोरल एजुकेशन की ये बात करते हैं, इन्होंने क्लियरली जो है मोरल एजुकेशन के बारे में बात की है, जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें, करिकुलम की भी इन्होंने काफी डिटेल में बात की है। सो मोरल एजुकेशन में आप एनकरेज करेंगे एक साइड तो, और दूसरी साइड डिस्करेज करेंगे गलत चीजों के लिए जो नहीं करनी, जिनके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। सो ये फोकस करते हैं, और उसके लिए ये बताते भी हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का हाई आइडियल्स वाला होना बहुत जरूरी है, जो कि हम बाद में देखेंगे कि आज के टाइम में इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। इम्पेडिमेंट्स की अगर हम बात करें जो ये चाहते थे कि ये अवॉइड करें, तो टीचर्स और स्कॉलर्स दोनों को ही अवॉइड करनी चाहिए वो चीजें जो कि हिंड्रेंस बन रही हैं आपकी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में, चाहे वो आपका आसपास का एनवायरमेंट या खराब पीपल हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैड हैबिट्स, तो हमें बैड हैबिट्स को हटाना है, जैसे शराब वगैरह या इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेने, फोर्निकेशन क्या होता है, बिफोर मैरिज सेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो नहीं हो, चाइल्ड मैरिज ना हो, तो ये इस तरीके की बातें इन्होंने बोली कि वो सारी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। पेरेंट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट बताया है इन्होंने, बोला है कि तीन प्रॉपर इंस्ट्रक्टर अगर बच्चे को मिल जाएं, जो कि होंगे मदर, उनके फादर और टीचर, तो अगर ये तीन प्रॉपर इंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं तो इंसान जो है बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है। अगर कोई फैमिली में या कोई मतलब फैमिली या पूरी है, मतलब मदर है, फादर है और टीचर भी, उनको ऐसे सही डायरेक्शन देने वाले मिल जाएं, राइटिशियस और लर्निंग वाले, इक्विप्ड विद राइटिशियस एंड लर्निंग, सो वो एक बच्चा जो है वो क्या है, बहुत ब्लेस्ड माना जा रहा है इनकी लैंग्वेज में।
टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट टीचर आर टू बी लर्नड ऑफ गुड कैरेक्टर, डिवोटेड टू देयर टास्क, नो रूम फॉर एरोगेंट टीचर्स, जो गुस्सा ना करें, एंगर ना हो जिनमें, डेडिकेटेड हो अपने टास्क के लिए. अगर नहीं है तो वो टीचर फिर यहाँ पे यहाँ वो टीचर नहीं बन सकते, ऐसा इनका था. दे हैज टू बी अ क्लोज रिलेशनशिप लाइक फादर एंड सन, टीचर और पीपल के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होना जरूरी है. अगर आपको याद हो तो वैदिक एजुकेशन में भी हमने इसी तरीके के रिलेशनशिप की बात की थी. अब क्वालिफिकेशन क्या होगी टीचर की? सो क्वालिफिकेशन में ये इलेबोरेट करके बताते हैं कि चाहे मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, उन्होंने एक आइडिया को सपोर्ट किया कि ही अलोन इज अ वाइज मैन हु इज नेवर आइडियल और लेजी, नॉर अफेक्टेड बाय प्लेजर और पेन, प्रॉफिट और लॉस, ऑनर और डिसऑनर, पब्लिक अपलोड और सेंशो, हैज ऑलवेज अ फर्म फेथ इन धर्म एंड कांट बी टेम्पटेटेड बाय सेंशुअल ऑब्जेक्ट्स. सो बेसिकली एक आइडियल पर्सन की ये बात कर रहे हैं कि वो ना सेंशुअल ऑब्जेक्ट से टेम्प्ट हों, ना वो धर्ना में या फेथ में, भगवान में, उनमें बिलीव करें, लॉस और ये जो प्रॉफिट है उनके ऊपर उनका ध्यान ना हो, प्लेजर और प्लेजर और पेन से उनको कोई फर्क ना पड़ता हो, तो वो अपने आप में एक वाइज हो, मतलब काम करते रहें, लेजी ना हो. सो इस तरीके की एक कंप्लीट एक ओरा सा आप लगा लीजिए जो एक आइडियलिस्टिक फिलोसफी में आपको देखने को मिले. सो वैसे टीचर की ये बात करते हैं. और टीचर की गुड मेमोरी और साउंड लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि जैसे वैदिक एजुकेशन में मेमोरी ही सबसे ज़्यादा काम आती थी, क्योंकि ओरल एजुकेशन थी, मौखिक तौर पर ज़्यादा समझाया जाता था. तो गुड मेमोरी और साउंड लॉजिक की बात करते हैं. टीचर टॉट इंटरेक्शन की अगर बात करें तो ये जो हाई क्वालिटीज की बात हुई है वो म्यूचुअल इंस्पिरेशन के थ्रू ही डेवलप हो सकती हैं. ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ अपना 100% दे रहा है और बच्चा सीखना ही नहीं चाह रहा, तो वो दोनों साइड से जरूरत है. टीचर को जो है किस तरीके की क्वालिटीज इनकलकेट करने की जरूरत है, ट्रुथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट ऑन द एजुकेंट्स. सो उनके अंदर मतलब एजुकेंट्स किसको बोल रहे हैं ये, जो कि इनकी फिलोसफी को मान रहे हैं, टीचर जिनको पढ़ा रहा है, या बच्चे या शिष्य जो हैं. ठीक है, सो टीचर जो है इस तरीके की क्वालिटीज जो है वो बच्चे में इनकलकेट करेंगे. दे शुड ऑल्सो ट्राई टू इरेडिकेट एविल हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. अच्छी चीज़ों में इंडल्ज करना है बच्चे को, और खराब चीज़ें हैं जो एविल हैबिट्स हैं उनसे दूर लेके जाना है. स्टूडेंट्स ऑन द अदर हैंड themselves, वो अपने आप भी ट्राई करेंगे, जैसे था ना म्यूचुअल इंस्पिरेशन है, सो वो अपने आप भी सेल्फ कंट्रोल, मेंटल ट्रैंक्विलिटी, थ्रोथफुलनेस, डिलीजेंस और लव फॉर देयर टीचर्स, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को भी कोशिश करनी है. डिसिप्लिन की बात करें तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की ये बात करते हैं, और स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए जब भी कोई रूल ब्रेक हो या कोई गलती बच्चा करे, तो वही पनिशमेंट वाली बात आ गई. करिकुलम भी इन्होंने काफी डिटेल में बताया, उनकी करिकुलम की स्कीम के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए ही करिकुलम है, क्योंकि ये वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं अच्छे से. बिसाइड अ जनरल करिकुलम उन्होंने चार वर्ण जो है, मतलब एक जनरल करिकुलम के साथ साथ जो वेदास में वर्ण है उनमें से भी कुछ स्पेसिफिक स्टडीज जो है वो बोली कि ये तो पढ़ी जानी चाहिए. इट्स लाइक कि आपने टीचर ने सारी चीजें करवा दी एक जनरल वे में, लेकिन फिर वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स कोट करके दे रहे कि ये टॉपिक्स तो मस्ट हैं पढ़ने, इंपॉर्टेंट हैं. सो वैसा ही कुछ है कि चार वर्ण में से जो चार वेद हैं वर्ण हैं उनमें से क्या है स्पेशल कुछ स्टडीज प्रिस्क्राइब इन्होंने की. सो उन्होंने ये भी बोला कि सिर्फ वही बुक्स रेकमेंड की जानी चाहिए जो कि डीप स्टडी के लिए, वही बुक रेकमेंड होनी चाहिए जो कि सारी स्क्रूटनी को पास करके आई हो, मतलब बेटर बुक्स हों, अच्छी बुक्स हों कि ऑथेंटिक हैं और आप विश्वास रख रहे हैं कि ये बुक पढ़ने से बच्चा जो है वो डीप स्टडी में, बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प मिलेगी. मीडियम ऑफ एजुकेशन की बात करें तो मदर टंग और संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया. ठीक है, इन्होंने स्ट्रॉन्गली बोला कि संस्कृत को जो है मीडियम ऑफ लैंग्वेज एटलीस्ट हायर लेवल पे या हायर एजुकेशन में तो इंक्लूड किया जाना चाहिए. ही रोट इन डिटेल्स अबाउट द करिकुलम, टीचिंग मेथड्स फॉर लर्निंग और मास्टरिंग संस्कृत. तो संस्कृत के ऊपर इनका बहुत फोकस रहा. पांच तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, प्रोविजन ऑफ राइट नॉलेज, कल्टीवेशन ऑफ कल्चर यानी नॉलेज के साथ साथ आप कल्चर भी जो है बच्चे में डाल रहे हैं, रिलीजियस नेचर जो है इंक्रीज करें उनका, मतलब ये भी तो भगवान में मानते थे ना, सो वही चीज है कि रिलीजन में ये फोकस कर रहे हैं. इंक्रीज ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो और लिब्रेशन हो एरोगेंस से. सो ये एरोगेंस की कहीं पे भी जगह नहीं दिखाते ना, ये जब टीचर की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तब भी बोल रहे हैं कि देयर इज नो रूम फॉर एरोगेंस. सो एरोगेंस की बात नहीं करते. तो ये पांच तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हैं तो ऐसी एजुकेशन जो है वो सिर्फ ना सिर्फ बच्चे के बल्कि वेलफेयर के रूप में काम करेगी इस वर्ल्ड के.
अब अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की इनकी बात करें तो तीन पॉइंट्स हमें याद मस्ट याद रखने पड़ेंगे. फर्स्ट है एजुकेशन फॉर परफेक्शन. सो ये परफेक्शन की तरफ ज्यादा थे. ये मेन एम इनका जो एम था एजुकेशन का वो क्या था, परफेक्शन अटेन करना. अब उस परफेक्शन अटेन करने के लिए कुछ एक चीजें होती है ना, जैसे ही सॉट दिस एम मोस्ट विगरसली even sometimes presenting schemes which were far from practicable and demanding standards and virtues which could not be attained even by the selected person. So ये उस तरीके की education की बात कर रहे हैं कि हर कोई perfect हो, तो वो बहुत कम लोग selected person भी उसको completely attain कर ले, वो भी एक बड़ी बात होगी कि आप हर चीज में परफेक्शन लाना चाह रहे हैं और उस परफेक्शन के चक्कर में कई बार ये जो स्कीम्स या आइडियाज बताते हैं वो प्रैक्टिकल भी नहीं है देखा जाए तो. सो ही डिमांडेड वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट. हर चीज में ये स्टैंडर्ड्स इनके बहुत हाई हैं. ही वांटेड टू रियलाइज ऑलराउंड परफेक्शन. तो जब ऑलराउंड परफेक्शन है तो उससे रिलेटेड इनका सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है कि ये मल्टी साइडेड करिकुलम की बात करेंगे, क्योंकि आपको हर साइड में परफेक्शन चाहिए ना. ऑलराउंड परफेक्शन की बात करेंगे तो हर साइड में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सो करिकुलम में जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टी साइडेड अप्रोच जो है वो फिर आ जाता है. और ये चीज उनकी सत्यार्थ प्रकाश में मेंशन है. तो सत्यार्थ प्रकाश जो पब्लिकेशन है या बुक है या चीज है, मतलब क्या वर्क है, वो किससे रिलेटेड है, दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है. तो ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है जी. सो मल्टी साइडेड करिकुलम. उसके बाद अगर बात करें थर्ड जो है वो है ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म, जिसमें ये क्या बात करते हैं कि ये परफेक्शन की तरफ बात करते हैं. तो हमने देख लिया. सो ये ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म वाली सेम चीज आ गई, जहां पे रैशनलिज्म में ये क्या कर रहे हैं कि उसकी तरफ लॉजिक साइंस इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो इसीलिए इनको मोस्ट रैशनलिस्ट भी बोला जाता है जब इनके कंटेम्प्रेरीज की बात आती है. कंटेम्प्रेरीज मतलब जिस टाइम दयानंद सरस्वती थे उस टाइम पे जो लोग काम कर रहे थे उनमें से जो है ये सबसे ज्यादा रैशनलिस्ट माने जाते हैं, सबसे ज्यादा लॉजिकल माने जाते हैं. बट दूसरी साइड ये वेदास की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है इनके मन में, और उनको भी पढ़ने की एडवाइस देते हैं. ट्रुथ अनट्रुथ में डिफरेंस आना चाहिए बट रैशनल क्राइटेरिया यूज करके. सो ये हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ, सिर्फ साउंड लॉजिक के साथ अगर उसका सपोर्ट है तो ये वेदास को भी मानने को तैयार है, ऐसे वाली सिचुएशन है. सो इसीलिए ह्यूमनिज्म के साथ साथ रैशनलिस्ट इनको बोला जाता है. कंक्लूजन में अगर हम बात करें, सो ही ब्रॉट इनटू लाइट कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव कैरेक्टर की ऑफ स्कीम ऑफ एजुकेशन. सो कौन, जैसे हम सीसीई पढ़ते हैं ना आज की डेट में, तो वैसा ही कुछ लगा लीजिए. सो कंस्ट्रक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव कैरेक्टर जो है वो स्कीम में लेके आई एजुकेशन में. दूसरा, इन्होंने मेटेरियलाइज करने का ट्राई किया मॉरल और स्पिरिचुअल वेलफेयर को, ताकि किसके लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे कास्ट हो, क्रीड हो, नेशनैलिटी हो, टाइम. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स उन्होंने अपलिफ्टमेंट की जो है वो बात की है. ऑल्दो इनके स्टैंडर्ड्स हाई रहे हैं जो कि बहुत कम लोग ही अचीव कर पाएंगे या अटेन कर पाएंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दयानंद दर्शन. आई होप आपको समझ आया होगा. कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता तो चले कि किस डायरेक्शन में जो है जा रही हैं चीजें, कि आप लोगों को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दयानंद दर्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग.